सोनिया हुसैन, यार मैंने आपकी एक तस्वीर देखी है अभी, आपने बाल छोटे कराए हुए हैं जी, हैं जी? ड्रग एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट बनी हुई है। अच्छा आप टीवी करना चाहते हैं, इनके घर में टीवी भी नहीं था, ये क्या स्टोरी है? जो टीवी हम करना चाहते थे उनके घर में था ही नहीं। था ही नहीं, कमाल है। नहीं, क्या स्टोरी है इसका? कौन चोरी करके ले गया टीवी? क्यों कोई चुरा गया था टीवी? आपके गरीब तो हम टीवी खरीद भी नहीं सकते थे। आई स्टार्टेड बिलीविंग इट। नहीं बेसिकली हमारे क्योंकि पूरी फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा पढ़ाई के उसमें बहुत रुझान है सबका, तो ये कि अच्छा डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने लॉयर्स बने, मतलब टीवी शीवी का तो कोई सीन ही नहीं है कि उस तरह से कि बच्चे ख़राब हो जाते हैं उस तरह, इसलिए हमें हमारे कभी टीवी का रुझान रहा ही नहीं है। ये तो एक्सीडेंटली मतलब इस फील्ड में आ गई। एंड कमिंग टू द पॉइंट, जब भी वसीम कह रहे थे कि हाँ ये ठुड्डे पढ़ना ज़रूरी होता है, बिल्कुल, और मुझे लगता है ये सबकी लाइफ में ये एक आता है फेस के। अच्छा किसी चीज़ से रोका जब करने का दिल करता है, टीवी नहीं था तो टीवी करना है, ये टीवी करना क्यों है, कैसे आई हो आप? आज शुए भी बड़ा है, मतलब एक्सीडेंटली हुआ है, मतलब मैं आई थिंक मैट्रिक के पेपर्स देके मुझे एक साल का गैप आता है, तो उसमें कहीं पे ऑडिशंस चल रहे थे और वो इत्तेफाक से हुआ ये कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी थी, मैंने अपने अब्बा से कहा कि मुझे लेना है, वो कहते क्या अभी तुमने ये लिया, और यो मैंने कहा नहीं यार पैसे होते ना तो ये मुझे आज ना सुनना पड़ता, तो बस जोश में निकली कि अच्छा चलो एक ऑडिशन देती हूँ, खैर पैसे कमाने लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं आप इतनी छोटी सी हैं, आप क्या कहेंगे कि वो इतनी हलाकत हो गई। खैर वो निकल गए वहाँ से। कितनी छोटी थी वैसे? काफ़ी छोटी थी, NIC भी नहीं बना था मेरा। अच्छा। तो फिर वहाँ पे कोई डायरेक्टर थे तो उन्होंने फिर स्पॉट किया, उन्होंने कहा कि हम एक कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं कोई एक यंग सी फेस और आपका फेस बड़ा उसके लिए फिट बैठता है, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, फिर बस वहीं से शुरू किया। तो मुझे ये बताइए सोनिया, आप कम काम करते हो लेकिन बड़ा साफ सुथरा, बड़ा अजीब सा, और जो लोग डर जाते हैं स्क्रिप्ट से वो आप पकड़ लेती हो, व्हाई? क्यों प्रूव है, क्यों लड़ाई अपने आप से, क्यों किसी और से कि नहीं ये मैंने करके दिखाना है? बस एक तो ये सोने आप हो लेकिन आपने मुंह क्यों बन के दिखाना है? वो क्यों बन के दिखा रहे हैं? मुझे लगता है क्योंकि वो कैरेक्टर शायद हम में से ही कोई एक होता है। yes. एक रन ऑफ द मिल काम करना जो हर कोई बना रहा है तो वही आप भी कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अब जैसे आप हैं फास्ट बॉलर हैं जो कि और नहीं होते, तो ये अगर आप चार लोगों में से एक इंसान अगर स्टैंड आउट करता है तो आई थिंक वो आपकी अचीवमेंट होती है जिंदगी में, कि आप किसी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, कुछ बन के दिखा रहे हैं, या आपके सब्जेक्ट से कोई मैसेज कन्वे हो रहा है लोगों के। अब जैसे स्किज़ोफ्रेनिक था या स्पेशल चाइल्ड पे था, जो भी सब्जेक्ट्स थे उसके बाद मुझे इतने मैसेजेस आते थे, लोग रिलेट करते थे कि। और जब आपने जो चीज़ बनाई, जो ऑडियो लीक्स होती हैं, वीडियो लीक्स होती हैं, आपने उसको ऐसे पकड़ा और आपने चला दिया, आप डरे नहीं हो, आपने कहा यार नहीं मैं इस इश्यू को एड्रेस करूंगी, एड्रेस किया आपने, हिम्मत कहाँ से आती है इन कामों में? बस आई डोंट नो, बड़ी हिम्मत की बात। थैंक यू, मैं बड़ा थैंक यू, मैं बड़ी अच्छा फील कर रही हूँ इस तरह से ये बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक बस अगर आपके अंदर ये होता है कि कुछ अलग काम करना है, मतलब यू नो मेरा हमेशा से ये कभी भी ये नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या फिर टीवी पे काम करूंगी, ये मेरा पैशन नहीं था, और शायद मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ या लोग मुझे जानते हैं या चलो कहीं दो चार जगह पे फेमस हूँ, मुझे ये फील ही नहीं आता। मुझे होता है हाँ इट्स अ जॉब, और आपको अपनी जॉब से जब तक आप यू नो उसके साथ एक इंसाफ नहीं कर सकते, जब तक आप उस वो पैसे वसूल ना करें कोई नई चीज़ करके। ठीक बात, बॉक्सर भी हैं आप, डर लगता है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा।